अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हारिस फ्रॉम चिनार ट्रेवल्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद है वही विजिट वीज़े के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अभी भी कि हारिस भाई विजिट वीज़े हो रहे हैं, 1 मंथ हो रहे हैं, 2 मंथ हो रहे हैं, 3 मंथ का क्या बना, होंगे नहीं होंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सारे सवाल का जवाब इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 1 मंथ के हवाले से, 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं अभी तक, स्टिल हो रहे हैं। आज डेट है 18 अक्टूबर 2022, आज की डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। 2 मंथ के हवाले से मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो 2 मंथ के जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि जो अबू धाबी में जाहिर सी बात है सिस्टम स्लो हो गया था, जब इन्होंने सिस्टम अपडेट किया था, 3 मंथ हटा दिया था और 2 मंथ ले आए थे, तो उसके बाद अबू धाबी सिस्टम इतना स्लो हो गया था कि सारे वीजे जो है वो शारजा की तरफ चले गए, तो वो उल्टा सिस्टम हो गया। अब शारजा का सिस्टम पूरा डाउन होने की वजह से वो 2 मंथ इनसाइड अप्रूवल्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आउटसाइड फिर भी थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन शारजा सिस्टम पे 2 मंथ इनसाइड वीजे चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। बहुत इक्का दुक्का, बहुत ही कम अप्रूवल जो है वो शारजा से हो रही है। अबू धाबी से भी हम लोग डालते हैं तो कुछ पता नहीं है, कोई वीजा 1 दिन में अप्रूव हो रहा है, कोई वीजा 1 वीक लगा रहा है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी दोनों में ये सीन चल रहा है। पहले ये होता था ना कि हम लोग 2 मंथ वीजा डालते थे, 3 मंथ वीजा डालते थे इनसाइड, तो इनसाइड की हमें 99% गारंटी होती थी कि वीजा आना ही आना है। आउटसाइड का हम लोग फिर भी थोड़ा होते थे कि यार आउटसाइड तो चलो 1-2 दिन में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनसाइड का हमें गारंटी होती थी कि भाई वीजा जो है ना वो इनसाइड 1 दिन में या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा क्लियर। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। अब 2 मंथ के लिए भी आपको कम से कम 1 वीक या 2 वीक पहले जो है ना वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसमें भी कुछ पता नहीं है कि वो अप्रूवल 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 1 वीक में आए, 2 वीक में आए। अगर अटक गया तो अटका ही रहता है, फिर तो फिलहाल सीन चल रहे हैं। 1 मंथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मंथ में कोई मसला नहीं है। 1 मंथ अगर आप लोग करवा सकते हैं तो 1 मंथ आप इजीली जो है वो वीजा आउटसाइड भी और इनसाइड भी आप करवा सकते हैं। 1 मंथ भी कुछ एप्लीकेशन आउटसाइड रुकी हुई है, ये नहीं कि सारी अप्रूव हो रही है, रुकी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ थोड़ा चल रहा है, धक्का देके थोड़ा चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और बाकी 3 मंथ के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं कि अभी 3 मंथ होगा नहीं होगा। पहले तो 3 मंथ हम लोग इंडियंस और बाकी नेशनलिटीज का कर रहे थे, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ दुबई में हो रहा है, जो कि प्राइवेट एक किस्म का होता है वो, तो उसमें एब्सकॉन्डिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होता है, तो वो हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो एग्जीक्यूटिव पर्सन होते हैं उनके लिए हम लोग जो है ना वो लेकर आते हैं, वो चीज़ ऑप्शन उनको बताते हैं। तो अगर तो किसी भाई को और किसी हवाले से सवालात करने हैं, कुछ भी है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। तो चिनार ट्रैवल है हमारा इंटरनेशनल सिटी फ्रांस क्लस्टर में, जो पहली दफ़ा आए वो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला।